please click the subscribe button. Press the bell icon for no. And the M shows in as well. Thank you so much, so much, Jackie. Thank you so much, everyone. थैंक यू JJust। मैं बहुत खुश हूँ, एक्चुअली थोड़ा भावुक हूँ। पहली बार ज़िंदगी में कुछ खुद से करने की कोशिश की है और ये समझ में आया है कि आसान नहीं होता है। बट येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी इमोशनल डे फॉर मी। एंड बस यही कोशिश करूँगा कि हम अच्छा काम करें, अच्छे गाने बनाएं और वांट टू ट्राई एंड मेक द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन एज बिग एज। सर, अभी रिसेंटली मेरी बात करें तो वो उन्होंने कहा कि अब भूल से गए इंडिपेंडेंट म्यूजिक को देखा जाए। किन से बात? जुबिन से। हाँ जी, तो फिर अब वापस दौर आ रहा है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? राइटली सेड, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन 90s में फिर भी था, अभी नहीं है लास्ट 15-20 साल से। एंड इट्स पीपल लाइक अस जो चेंज कर सकते हैं। एंड बिकॉज जस्ट म्यूजिक इज़ ओनली फोकसिंग ऑन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हमें लगता है कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। और आप सबका सपोर्ट रहा कि ये मैसेज अगर आप लोग ने म्यूजिशंस तक पहुँचाया एंड दे विल कॉन्टैक्ट अस। जस्ट म्यूजिक इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंग म्यूजिशंस। किस तरह से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे आप लोगों? तो हमारे ऑफकोर्स ईमेल एड्रेसेज हैं जो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। हमारी ऑफिस ऑफकोर्स सबको पता है कहाँ है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट म्यूजिक नाउ एवरीवन विल नो वेयर इट इज़। और ऑनलाइन हो, हम बहुत जल्दी एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके द्वारा यंग म्यूजिशियंस हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड होपफुली यू नो आप लोग सब लोग का साथ रहेगा तो अच्छा काम कर पाएंगे। पूरी नंबर 1 भी आ रही है प्रोडक्शन, क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड उसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ ऑफकोर्स, यू नो कि ये सारी फिल्में आ रही हैं। पूरी नंबर 1 से मेरे डैड ने अपना प्रोड्यूसर्स का करियर शुरू किया था और यू नो मेरी बहन और मैं बहुत एक्टिव हैं अभी। और थोड़ा सा भावुक मोमेंट है, डेविड अंकिल ने वो फिल्म बनाई थी, अब वापस वही बना रहे हैं, वरुण और सारा हैं उस फिल्म में। तो इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस एट होम। एंड बस हमारा काम है कि मेहनत करें, बाकी तो प्रोडक्शन और म्यूजिक सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से एनर्जी मिलती है? यू नो मुझे मेरे फेलियर्स ने सिखाया कि यू नो जब भी मैंने कोई काम किया है और सक्सेस मिला तो ग्रेट, जब फेलियर हुआ है तो दो चीज़ें होती हैं, या आप कड़वे बन जाओ या आप सोचो कि यार क्यों नहीं चला। आप एक प्रोडक्ट हो, आपने एक प्रोडक्ट आगे रखा है और वो शायद जनता को उतना नहीं पसंद आया, और उसने बहुत स्ट्रांग बनाया मुझे और मुझे सीखने पर मजबूर किया। एंड वहाँ से ही स्ट्रेंथ मिलती है कि और अच्छा करेंगे, और बेहतर करेंगे, और वापस जाएंगे, रीएनालाइज करेंगे और ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाएंगे मार्केट में जो शायद ऑडियंस को पसंद आए। एंड वहाँ से ये एनर्जी आती है। एंड या आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को कहाँ देखते हैं, एक्टिंग में देखते हैं या प्रोडक्शन में? कितना या प्रोडक्शन में कितना प्रेशर होता है? सी, अंदर से तो मैं एक्टर हूँ, राइट? मैं हर जगह, हम सब एक्टर हैं, राइट? आप भी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, हम सब एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ, बट ऑफकोर्स एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट पैशन। और एज एन एक्टर ही मैं सोचता हूँ तो ही मैं अच्छा प्रोड्यूसर भी बन पाऊँगा और अच्छा म्यूज़िक लेबल फाउंडर बन पाऊँगा। बिकॉज अगर मैं एज एन एक्टर सोचूँगा तो ही मैं ट्रू रह पाऊँगा कॉन्टेंट के लिए और म्यूज़िक के लिए और आर्टिस्ट के लिए। और आज के दौर में, डिजिटल एज में, यू नो अगर अच्छा काम करोगे तो ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी।
और ये लास्ट एक डेढ़ दो साल में तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया है. ऐसी ऐसी फिल्में जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो सुपर हिट हो रही हैं. सो आपने डिजिटल का जिक्र किया तो बहुत सारी वेब सीरीज अच्छा करी है. हाँ जी, आपके जहन में कोई स्क्रिप्ट वेब सीरीज को लेके या इस और आप आगे बढ़ना? ऑफ कोर्स है, करना चाहता भी हूँ, कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ. कुछ अगर ऐसा होगा जो मुझे लगे कि यू नो मेरे लायक है या डायरेक्टर को लगे कि मैं उनके लायक हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर उसे निभाना चाहूँगा. आपकी फिल्म मित्रों काफ़ी मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म. मुझे उतना उसने कारोबार नहीं किया. हाँ. तो जब इस मतलब आपकी फिल्म अच्छी है और उसके बाद भी अच्छा कारोबार नहीं कर रही है तो किस आपके अंदर किस तरह की फीलिंग? सो देखिए क्या है कि अगर मैं सच कहूँ और आज मैं मीडिया के सामने एकदम सच कहूँ और अपने आप को बिल्कुल रोकूँ नहीं और मेरी पीआर एजेंसी मुझे डांटेगी बट आई थिंक मुझे सच बोलना चाहिए कि मेरे मन में हमेशा था कि यार मैं अगर कंपनी के बाहर काम करूं और अच्छा काम करूं, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं, बहुत मेहनत करूं, अच्छी एक्टिंग करूं तो मुझे सक्सेस मिलेगा. ऑफ कोर्स क्रिटिकली बहुत सक्सेस मिला जैसे आपने कहा और जब मैं रोड पर भी जाता हूँ जनता से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं हमको आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, हमें कमरिया गाना बहुत पसंद आया. लेकिन मुझे एक और चीज़ सीखने मिली मित्रों के बाद कि पांच उंगली से एक मुट्ठी बनती है. सो मार्केटिंग और जनता को ये पता रहे कि इस फ्राइडे आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अच्छी फिल्म बनाना. सो ऑफ कोर्स इसके पहले हम लोग ने मार्केटिंग पे फोकस किया था, इस बार हमने अच्छी फिल्म बनाने में फोकस किया तो हमें लगा कि शायद मार्केटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट आई फेल्ट दैट समवेयर लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन नो दैट द फिल्म वॉज कमिंग आउट दैट फ्राइडे. बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड. और मेरे जो दोस्तों में जो जोक चलता है कि चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हें अभी एक्टर लोग समझते हैं. सो इट फील्स गुड बिकॉज यू नो आपने इतनी मेहनत के बाद आपको लगता है कि यार एटलीस्ट आपकी एक्टिंग एज एन एक्टर लोगों को पसंद आए. तो जब ऑफकोर्स एंड स्पेशली समवन लाइक यू हु इज़ डे इन डे आउट एज मीडिया, आप लोग ट्रेलर्स देखते हो, इवेंट्स पर जाते हो, इतना सारा कंटेंट देखते हो और आपको लगा कि यू नो मैंने मित्रों में ठीक ठाक काम किया. सो ऑफ कोर्स दैट फील्स गुड, इट मेक्स मी फील कि हाँ मैं मेहनत और करूँगा और अच्छा प्रोडक्ट रखूँगा तो देन इट डज़ नॉट मैटर मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ. बिकॉज अच्छा काम करोगे तो पब्लिक आपको सराहेगी, अच्छा काम नहीं करोगे तो आप कहीं से भी आओ कुछ भी करो. कुली नंबर वन में क्या हम आपका कोई कैमियो या? नॉट एट ऑल. अगर चांस मिले तो? अगर नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अच्छा सर, फाइनली सर 370 देखा जाए तो हटा दिया गया कश्मीर से, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग प्रॉब्लम्स में थे तो अब छुटकारा मिल गया है. देखिए ए आई एम कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल एंड माई ओपिनियन आई डोंट इवन नो इफ इट मैटर्स और डजंट मैटर. बट मैं ये कहूँगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमें सबको लेके चलना चाहिए और अगर सबके हित की बात हो रही है तो होनी चाहिए. थैंक यू. ओह गॉड, दैट जस्ट गिव मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज. ये मेरी बुजुर्ग हैं. जी मैं अपना आशीर्वाद देती ही आती हूँ. जय माता दी. ये मेरी पहली फिल्म से मुझे सपोर्ट कर रही है रेडियो सिटी. नो आई सीरियसली यू नो सम इंसिडेंटल जैकी दैट व्हेन वी मेट फर्स्ट आप एक्चुअली माता के दर्शन के लिए होके आए थे वैष्णो देवी. डू यू रिमेंबर दैट? For your first film, you had one for the blessings. All right, please take that mic and before anything. मुझे लगा कल की से देखा माता के दर्शन तो कोई तो. Please take that mic. He's saying कल की से देखा माता के दर्शन मैं तो ले लूँ. When did you discover that you have this golden touch with music? मतलब किसी ने आपको बोला होगा कि भाई हो क्या रहा है यार bro, what's up with you? Like everything that you're doing, the music is going up there. So, you know, there's a story basically that, so I was 150 kilos. Yeah. So I lost weight and I of course wanted to become an actor. Sorry to ask you this, but when you were going through that phase, and there's a lot of depression which nobody will talk about as much, but you've been very kind enough to, did music help you in a big way? And of course, of course. So there's a funny thing where my sister is right here and my cousins and friends,
Hrithik Roshan was launched. I was in the 9th standard and I was 150. So I saw that he was doing this wave. So I learned the wave and he was my Dronacharya one day. So TV mein remind play karke maine wo kiya. Main apne doston ke paas gaya ki guys main ye same kar sakta hu. Maine kiya. Aur because itna fat tha na kuch dikha nahi. To unhone bola yaar tu wave dikha nahi hoga. To maine bola yaar ye to matlab gadbad ho gayi. And of course it's depressing, it's disturbing. People judge you. I feel obesity is as bad as cancer, because you know physically you can't move, you know. You can enjoy half the things that you want to. Nothing fits you. Shopping is boring. So anyways. So no, so what I'm trying to get to is that music to obviously isliye aapka saathi tha na kabhi. And that's why you want close to. I was like hathi mere saathi. So music was my saathi and that's actually if it's not for music I would not be here honestly. Music is what kept me out of depression and luckily never had suicidal feelings. It's all because of music. My mom used to say ki yaar aaj jagran hai to please dance karne mat lagna. You kidding? Because wo na wo automatically beat pakadne lagta. Yo man, you got the same thing as I have. My best friend Gautam jo hai, he'll validate that. Yo. They call me chabi ka bandar. Jingle pe bhi dance karte hain bhai. So were you one of those who locked yourself up in the room? Because at one point you might not be very proud of your body. Sorry, jingling along with the music. So did you lock yourself up in the room and actually dance? Of course. All by yourself? Of course. Full basanti. And then you made sure ki aapki music par puri duniya nache. Yaar wo to mera aisa intention nahi tha, but there's a story jo main keh raha tha. Jo mera badla ho gaya, you know, reaction karna hai, thoda karna hai. मुझे लगा सब गा रहे हैं आजकल सब एक्टर्स गा रहे हैं तो जैसे ये टैलेंटेड लोग गाते हैं मुझे लगा मुझे भी गाना है तो मैं गुरुजी के पास जाने लगा कि गुरुजी मुझे 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 गायकी सीखनी विशाल सर गायकी राइट गायकी सीखनी तो मैं 3 महीना रेगुलरली गया सुबह रियाज करने और 3 महीने बाद गुरुजी ने बिठाया चाय वाय पिलाया और बोला बेटा कल से मत आना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता No way. But मैंने वो खुन्नस ले लिया मैंने बोला कि यार मैं अगर क्रिएट नहीं कर सकता तो क्यूरेट तो कर सकता हूँ yeah. wow. so, wow. so you want to see अगर ये मेरी वीकनेस है मैं इसको स्ट्रेंथ कैसे बनाऊँ That's how you are. And ये I must say that this inspiration I have had from 3 people, my father of course, and Mr. Bachchan, where I was told, and this my dad told me, I don't know what's the factual about it, that because he had asthma, so whenever he lost his breath, he would say it with a puff of air, and that became a style. So that was basically because he's so it's all about how you make your weakness into your strength, and yeah. It's so funny. It's so beautiful. And why did JJust strike you? I mean, I get it. You make pictures, you do so many things. You also are a mastermind behind a lot of the process behind filmmaking. Why would you suddenly say, let me just start making just music? And this is purely for the musicians, for the singers. It's just something that you want to do for them. And that's quite selfless. So I'll tell you the reason. One, I love music. I love dancing. Primarily, I'm an artist at heart. And I just thought that there's a huge vacuum for a label to come out where they can think from the artist point of view first. Yeah. And I've been very honest to everyone sitting here on the first row, saying that, listen guys, main yahan charity karne nahi baitha, so I'll not lie to you. But yes, if I win, you win with me. Yeah. And we are all in it together. Woo. It's all going to be one team. And if I make, you make. And that's one thing that's not happened in India in a big way. So are you changing that face? I don't want to say that. Okay, not I now. I don't want to say that. But yes, of course, the whole idea is, see, also as an actor, I would never want to be choked. Okay. So I don't want any of my artists to feel that, oh, now I'm signed up with just music and I can't breathe anymore. I want them to feel that they are signed up with me and they can still breathe and still fly and still work with everyone else and
it's going to be a big happy family where we all grow together. Okay, now you have to spill the beans on the story of Kamaria. He said, Chetan said, you gave him a lot of inputs, which means kahin na kahin creative process maybe I'm involved. So I just want to say, a lot of people are saying JJust Music and people think it's because of my name. That's a coincidence. It was not planned like that. Two J's because one J is for just music and no other nonsense. No politics, nothing, just music. And the other J is for justice towards music artists and music lovers. So just music. I'm so glad. I mean, we have Lata Didi fighting from her ages till date and everybody for music. So I'm actually looking forward to what's going to be different with this. But I still want to know, how do you creatively compose a song, co-compose? I'm not co-composed at all. I tell you, I am the janta. I am the ear who keeps fighting. There's another J also, Char J. I give it. I'm born on 25th December, by the way. So there's also another J. So coming back to Chetas. So Chetas and Lijo, I went to them. There was Darshan, there was Kumar Paji, and so first I got to know that I want to work on this folk song called Pethal. And I got to know from Azim that Chetas is working on it. Yeah. And because I'm tom-toming justice and just music, yeah, I thought it's only fair and ethical that I call him. We are all from the same fraternity, and I call Ayush. And they were very generous to say that, listen guys, we are not using it, we are going with Chogada. And there's another song called Rangtari, and this song is open. So I called Chetas and I'm Lijo, and I said, would you guys want to work with me on this? And they were very, very happy. So I went. Originally they were calling it Pethal, and I said that, you know, it's a very, very strong Gujarati folk. Yeah. We've all danced to it. I feel if you call it Kamaria and you make it slightly more pan-India, everyone in India will also relate with it. Correct. And they will be able to connect with it, because it's like, of course, music has no language, yeah, but if I understand it a little more, yeah, then you just reach out to a more wider set of audience. And this holds a very, very personal space in your life. Okay, just music is talking about that relationship with music. Sorry to take you away from Bollywood right now. Aapke liye music aur aapka relationship kitna unique hai? मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट टू बी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस, सीरियसली मेरे लिए म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे और कुछ आता ही नहीं. आई डोंट नो एनीथिंग एल्स. इट्स बीन अ प्रोसेस दैट आई हैव बीन लिविंग फॉर इयर्स एंड इयर्स नाउ. एंड somebody asks me, व्हाट्स योर पर्सनल स्पेस, माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्पेस इज द सेम. सो आई लिव इट, आई ब्रीथ इट ऑल द टाइम. आई एम सो हैप्पी दैट आई एम वन ऑफ द लकी वंस हु गेट्स टू make name, money, and appreciation out of it, I think, which is a blessing. So I feel extremely grateful about that. Okay, so Selfish is what I thought was your crescendo, and then now Kabir Singh has gone out of the ballpark. I don't know what to say. Having said that, ki agar ek gana aapke man mein aata hai, it's not that you're thinking of Bollywood or actors particularly. You're just thinking of a story. Kya ye story matlab kahan se aati hai? बॉलीवुड में जब काम होता है तो इट्स अ वेरी स्क्रिप्ट ड्रिवन इंडस्ट्री. तो देर इज अ डायरेक्टर, देर इज अ प्रोड्यूसर, देन मेनली देर इज अ स्क्रिप्ट, देन यू आर इंस्पायर्ड ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू. अभी ब्रीफ्स पे भी काम होता है कि ये स्क्रिप्ट है, तीन लोग बनाते हैं, चार लोग बनाते हैं. आई बीन ब्लेस्ड टू बी वन ऑफ द कंपोजर्स दैट गेट्स टू वर्क ऑन वन सिचुएशन एंड गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. सो इट्स ऑल वेरी इंस्पायरिंग ऑल इन ऑल, एंड दैट इज वाई आई फील एन आर्टिस्ट इज ब्लेस्ड. एक जिंदगी में आप सौ किरदार निभा सकते हैं. सो व्हेन आई डू अ कबीर सिंह आई फील लाइक अ मेडिकल स्टूडेंट हू स्टडी इन दिल्ली, और व्हेन आई डू वीरेंद्र वेडिंग आई नो व्हाट फोर गर्ल्स वर 30 लिविंग इन दिल्ली फील लाइक, यू नो. सो इट्स क्रेजी दैट यू गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड देन दैट्स व्हाट मेक्स इट फ्रेश एंड म्यूजिकल. एंड देन टू बी अप्रोच्ड बाय समबडी हूज लेगेसी हैज बीन फैबुलस मूवीज, एंड जैकी बीइंग समबडी आई थिंक ही इज जस्ट सो सो ब्लेस्ड कि उनकी हर फिल्म, चाहे वो उसमें है नहीं है, जो भी है, गाने जो है कहीं और चले जाते हैं in terms of having that connect. I find that so unique. When I met him for the first time, I went to his office and we sat across and we connected instantly. There he is. Can we have a huge round of applause for him? So we connected instantly and it was love at first sight. And there is this intimidating, but he's got a huge legacy behind, like that name, that man, that stature is something else.
Was it intimidating meeting him when he approached you for this? Yeah, it was, because the thing is, again, like his legacy in terms of music, whether it's always, he's always gotten something fresh, very new, to the audience, whether it's the reaction, Kani or Kamaria. So I was nervous as hell. I was shaking and I was falling on car and I was like, what's happening? And so yeah, it was a little intimidating, but you know, he's such a wonderful person and he was so warm and he's been a great mentor. So yeah. Okay, now here is my question, and you've got to forgive me for asking you this. Lekin aise hota na jab koi mainstream Bollywood mein agar kisi ko launch kiya jaye aur ya fir a non-commercial film. For me, you're not being launched in Bollywood, lekin aapke liye wo kya maine rakhta hai ya nahi rakhta hai? Because this is an independent platform. I mean, I'm very honored because, again, like I said, to be with a team, with Jackky and with his whole team, they've been so great. You know, they've mentored us and they've guided us so well. So it's amazing, and you know, I think independent music is really growing as of now, and it's not just the future, it's actually the present. It is very much... Actually, I correct you on that. It was the past, it is the present, and it'll be the future forever. And it's going to grow more in the future, especially with JJust Music, because the label is all about, you know, justice to musicians, justice to music, and it's all about giving the musicians and the music their due, like doing justice to it, bringing independent music, independent work, and giving something new to the audience, giving the audience what they deserve. And that's something this generation is constantly looking forward to. Kitni bari kaun se gaane pe bahut zyada nachi hai Jackky? There's a new song coming up which I saw him dancing to, but I can't name it right now. I think, you know, you'll see it later. It's a remake of... Can I say No. No, I won't. Ishara Milya? I think... No, Ishara. I shouldn't, but he knows what I'm talking about. You know what I really appreciate is you didn't try and change her name because there's already a Shreya on the song. I actually got that advice from someone else. They're like, beta, tu naam badal le. Hai Shreya industry. No, and the fact that they supported you, that means they really are looking at original artists. Love you guys for this. Thank you so much, Shreya. Thank you. I'm gonna move something. I always write Om. So ek Omkar jaise bolte na, Omkar and Baba ji aa jaiye. Please take a seat. Yo. Namaste ji. आप बड़े respectful हैं भाई, लंबर भी नहीं बनाने वाले हैं. Very respectful. आपको दिल्ली की छोकरियाँ अच्छी लगती हैं या मुंबई की? नहीं, ये आप बोल ही नहीं सकते ना, अपनी शुरुआत ही ऐसी करी है जहाँ पे लड़की को आप लिफ्ट दे रहे हो या वो आना चाह रही है जो भी है. यही है नहीं चलाई है, छूटा दे दो. इससे बहुत लड़कियों ने लिफ्ट मांगी है. He can't say it's true. Today he is come like कॉलेज के दिनों में तो गाड़ी थी. अच्छा. तो उसके बाद बस वीडियो में एक बार लैम्बोर्गिनी से चलाने को मिली थोड़ी सी, तो वही बस बहुत अमेजिंग मोमेंट, वही लिफ्ट मिली बस. सो बेसिकली दैट वीडियो वाज भाई जो नहीं करने को मिला वीडियो में करवा दो भाई बस है. हां यस, या मिल जाती है. ओकर ऑनेस्टली एक गाने के साथ इतनी सक्सेस यार, यू नो, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो यार, ये गाना तो चलता ही है. अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छी चीज है. लाइक हम तो एज एन आर्टिस्ट बहुत खुश है, लाइक बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि लाइक और ऐसे गाने बनाएं. लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक इट्स लाइक अ ब्लेसिंग एंड आई विल. उससे मैंने बहुत सीखा, हमने बहुत सीखा. लाइक गाने ऐसे बनाने चाहिए जो लोग सुने, लोग इन्जॉय करें, मेक्स देम फील बेटर. तो वही कोशिश है लाइक और ऐसे गाने बनाएं जो कि यू नो ब्रिंग्स अप एक्साइटमेंट इन पीपल्स यू नो माइंड एंड यू नो दे एंजॉय द सॉन्ग. एंड यही कोशिश है. नहीं, गड्डी बहुत सुंदर थी, लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन गाने में जो मैजिक था, व्हाट डिड यू थिंक वर्क्ड? यू वांट टू टेल मी बाबा फर्स्ट. इसके अंदर मैम ये था कि हम काफ़ी टाइम से लोगों को ये लगता है कि ये लैम्बोर्गिनी हमारा पहला सॉन्ग था, लेकिन हम काफ़ी टाइम से तकरीबन 4-5 साल से साथ हैं, तो हम काफ़ी मेहनत कर रहे थे, उसके बाद ये लैम्बोर्गिनी निकला है. अच्छा. तो मेहनत और फोकस हमने बनाए रखा गानों के ऊपर, तो तब जाके लैम्बोर्गिनी निकला और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया. सो इट्स बेसिकली व्हेन यू कंसिस्टेंटली ऐड समथिंग, आपको पता है वो कैसे मैजिक करेगा, क्या मैजिक करेगा. इट्स लाइक अ कांस्टेंट एफर्ट, लाइक इसमें मैजिक का लाइक पता नहीं चलता, बट हैव टू कीप यू नो चेजिंग दैट, यू नो.
So that's Ghoda was na race wala. I have to keep choosing that. So that's what it is. And that Ghoda has got you to this man. Yes. Honestly. क्या रिएक्शन था दोनों का बताओ ऑनेस्ट रिएक्शन बता दो मैम पहले तो बात बताएं जैसे राहुल भाई के नवीन भैया हैं वैसे हमारे एक नवीन भैया हैं जी मतलब वही नवीन भैया तो उनके थ्रू जैकी सर से मिले थे जी तो हमें याद है नवीन भैया हैं उनके भैया इनके भी तो उनके थ्रू मिले थे जैकी सर से और काफ़ी मतलब सर से मिल के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इनकी विजन जो सी थी सर की हमें काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी और लोगों से डेफिनेटली जो हम सोचते थे सर वो ऑलरेडी वो चीज़ को समझ पा रहे थे जो हमारी लाइक म्यूजिक को लेके हमारे थॉट्स थे तो सर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे थे और पॉसिबिलिटीज दिखा रहे थे इस चीज़ में कि ये चीज़ हो सकती है सो वी कुड यू नो गिव आर बेस्ट एंड वी नो द एंड रिजल्ट विल बी गुड सो व्हाई नॉट जस्ट गिव आवर 100% And what? How important is it for you? क्योंकि आपकी वीडियो ने ऑलरेडी कुछ unimaginable अचीव किया है तो प्रेशर बहुत होता है ना मेरा अगला गाना कैसे आएगा Like इस चीज़ में मेरे को याद है like जैसे ही like हमारा like अभी ये गाना लॉक ही हुआ था Lamborghini We went straight in the studio and started working on the next song. क्योंकि हमें पता था like ऐसा कुछ होगा like कुछ भी हो सकता है we have to be prepared अपने गाने बनाते रहने पड़ेगा हमें अभी भी मैम लगे हुए हैं अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं और बस उसके ऊपर लगे हुए हैं हम ये नहीं सोच रहे कि अपना अच्छा हिट होगा या कैसे जाएगा exactly. हमें बस ये है कि अपना बस स्टूडियो के अंदर टाइम दें और लगे रहें बस काम ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट नोट एंड आई एम नोन फॉर दिस ये आपका ये जो यहाँ पे आपने टैटू करा है इस पे क्या लेजेंड्स लिखा है लेजेंड्स लिखा बढ़िया गौर से जरा जेंटल क्योंकि It's very tough, I think, in today's world, unless you don't get commercial success, it's tough for you to know ki kya karna hai, kya karna hai. Aur jaise aap keh rahe ho na, blinders se na, pyar se music banate ja rahe ho, aur aap phir just aise hi, just yahan pe aake aaj, aise aap itne bade music journey ka hissa ban rahe hain. For all the youngsters jo hame dekh rahe hain online especially, aap kya bolna chahoge ki ye movement aapko pata hai, iske peeche ki kahani aapko pata hai, ki kyun ye future hai. हमें ये लगता है मैम कि अपना जितने भी हमारे साथ के जितने भी और म्यूजिशियंस हैं जो आना चाहते हैं आगे तो अगर जो तो टीम वाले हैं उन्हें तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वो टीम के साथ ना अपने आप को मतलब बना के रखें ये मत सोचें कि यार मैं अकेला कुछ हूँ या दूसरा मतलब कुछ है ये बिल्कुल नहीं दिमाग में लाना चाहिए हम जैसे दोनों सोचते हैं अपने बारे में कि कभी भी अगर हम आप हमारे ट्रैक देखें म्यूज़िक के नीचे लिरिक्स के नीचे और कंपोजिशन के नीचे कभी भी ये नहीं लिखाता हूँ कार और बाबा दूर भी लिखाता है तो टीम के साथ बने रहने में मेरे को लगता है भलाई है एंड कितनी कूल बात है कि आपसे शुरुआत हो रही है क्योंकि जैसे दूरबीन आपको दूर की चीजें दिखाता है दिस इज लिटरली पोरिंग इनटू द फ्यूचर बस आपने चश्मा पहना भी है नहीं भी पहना है मैंने आपको छोड़ना नहीं है बाबा बिल्कुल मैम मत छोड़िए चश्मा पहना भी है नहीं भी पहना है बट थोड़ा बहुत बट आई एम रियली एक्साइटेड बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके पहले वीडियो में मैंने सुना है नहीं बोल सकते तो आप बस सरप्राइज बोलिए मत अंदर ही जाइए दूरबीन आप अपनी जगह ले लें वी आर सो सो प्राउड एंड सो एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट